Hello everyone, welcome back. So this is Bhavnapuri and today we will talk about chapter number 10. So जो chapter number 10 है उसका नाम है microbes in human welfare. तो इंसानों के लिए यानी कि human के फायदे के लिए कौन से microbes को use किया जाता है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला question ये है कि microbes होते क्या है. So basically जितने भी naked eye से ना दिखने वाले organism, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिना माइक्रोस्कोप के या फिर नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, उनको माइक्रोब्स कहते हैं. ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप उनको एक लार्ज स्केल पर ग्रो करवाते हो, अगर उन ऑर्गेनिजम्स की आप कॉलोनीज को ग्रो करवाओगे तो वो मतलब नेकेड आई से भी विजिबल हो सकते हैं. ठीक है, अब ये जो माइक्रोब्स है किस तरीके से ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होंगे, कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो फटाफट से देखते हैं. मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, सबसे पहले डिफाइन हम इसकी क्या लिखेंगे, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन By naked eyes. ठीक है भाई, ऐसे organisms जो कि इतने छोटे होंगे कि naked eyes से हम उनको देख भी नहीं सकते. ठीक है, और अभी मैंने बताया कि अगर हम इनको colonies में grow करवाएंगे तो these colonies could be visible by the naked eyes. ठीक है, क्योंकि colonies में millions of bacteria होंगे, millions of micro organisms या फिर microbes होंगे, है ना. अब ये कहां कहां पर मिल सकते हैं, These organisms could be found in soil या फिर air में, water में. ठीक है, इसके अलावा वो human की body के अंदर या फिर human की body के बाहर भी, surface पर भी मिल सकते हैं. A part of this आप ये देखोगे कि सिर्फ humans ही नहीं, जो animals हैं और जो बाकी plants हैं, उनके अंदर भी ये microorganisms present हो सकते हैं. तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं plants and animals. ठीक है, एंड द ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर एनिमल्स. चलिए, तो फिर ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन क्या वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे. अब एक्सट्रीम कंडीशन से हमारा क्या मतलब है, तो हम लिख लेते हैं फटाफट से. एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब है एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सरवाइव कर सकते हैं. तो इसका एक एग्जांपल हम आर्की बैक्टीरिया ले सकते हैं. आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, इनकी स्पेशलाइज्ड सेल वॉल की वजह से ये 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं. और अगर आपको याद हो तो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस. उस बैक्टीरिया से हमने एक एंजाइम को निकाला था जिसका नाम था टैक पॉलीमरेज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव है. तो हो गया ना फिर एक्सट्रीम कंडीशन का एक एग्जांपल. ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि वो बैक्टीरिया डीप इनसाइड द सॉइल, डीप इनसाइड द सॉइल भी अवेलेबल हो, है ना. उसके अलावा एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में भी तो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं. एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट. तो हमने ये देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुत ही छोटे से ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमन के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो सॉइल में, वाटर में, एयर में हो सकते हैं, प्लांट्स से एनिमल्स की बॉडी के अंदर या उनकी बॉडी की सरफेस पर हो सकते हैं. ठीक है, और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिल सकते हैं. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं वो कौन कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं. तो देखिए, मैं बार बार बैक्टीरिया बोल रही हूँ, तो बैक्टीरिया तो डेफिनेटली एक माइक्रोब होगा ही जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है. इसके अलावा वायरस हो सकते हैं. अब वायरस की जब हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि प्लांट्स में इंफेक्शन करेंगे, कुछ ऐसे वायरस होंगे जो एनिमल्स में या फिर बैक्टीरिया में भी इंफेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं, दीज आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस. क्या बोलेंगे उनको, बैक्टीरियो
फेजेस, राइट। अब हम इसके अलावा और कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं माइक्रोब्स के अंदर, तो देखिए बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेजेस, इसके अलावा फंगस हो सकती है, वायरॉइड्स हो सकते हैं और प्रायंस हो सकते हैं। बाकी टर्म्स आपने सुनी है लेकिन ये प्रायंस क्या है आपको ये याद रखना है, दैट प्रायंस आर द माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट। ये प्रायंस क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, और ये माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि एक डिजीज करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम होता है मैड काउ डिजीज। क्या नाम है? मैड काउ डिजीज या फिर बोवाइन इंसेफेलोपैथी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैड काउ डिजीज। अब इस बीमारी में यानी कि इस डिजीज में होगा क्या, तो ये एक ऐसी बीमारी है या फिर मैं बोलूंगी कि जो प्रायंस है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन करते हैं। जितने भी प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं तो वो जो प्रोटीन्स होंगे उनकी मिसफोल्डिंग हो जाती है, जो यहाँ पर मैंने मैड काउ डिजीज लिखा है इसमें यही होगा कि जो कैटल है यानी कि जो एनिमल है उनके ब्रेन में जाकर ये प्रायंस मिसफोल्डिंग कर देते हैं प्रोटीन्स। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने देख लिया एग्जाम्पल्स भी कौन कौन सी कंडीशन में मिलेंगे वो भी। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ जिसमें हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिटिव मीडियम में कल्चर भी कर सकते हैं, बैक्टीरिया को न्यूट्रिटिव मीडियम में कल्चर भी कर सकते हैं। एंड यू विल ऑब्जर्व दीज स्ट्रक्चर्स, ये क्या होते हैं? कॉलोनीज, दीज आर दी कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। और ये एक कल्चर प्लेट है या फिर एक ऐसी पेट्री डिश है जिसके अंदर हमने वो सारे न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाया है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको कॉलोनीज नजर आ सकती है। जब फंगस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है? इट शोज द ग्रोथ ऑफ फंजाई यानी कि ग्रोथ ऑफ फंगस। तो ये वो डायग्राम्स हैं जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आपको ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से देखने हैं, ठीक है? अलॉन्ग विद दिस बैक्टीरियोफेज का डायग्राम आप पढ़ेंगे और रॉड शेप टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस किस शेप का होता है? रॉड शेप का होता है। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है और आपसे 12th स्टैंडर्ड में यानी कि बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, या फिर ह्यूमन वेलफेयर तो पूरा ही चैप्टर है, एक स्पेसिफिक टॉपिक जो हमें गिवन है इसके अंदर वो है माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड, मतलब ह्यूमन के जो घर के काम होते हैं उसमें किस तरीके से ये माइक्रोब्स इन्वॉल्व है। तो हम लिख रहे हैं हाउस होल्ड, ठीक है? तो सबसे पहले जो एक एग्जाम्पल हम हाउस होल्ड में लेंगे वो है लैक्टोबैसिलस एंड सम अदर बैक्टीरिया कॉल्ड, जिसको कॉमनली कहते हैं लैब, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है? तो सबसे पहला एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, ठीक है? एंड सम अदर विच आर कॉल्ड LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आपको ये नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है? अब इसका फंक्शन क्या है, जो ये लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है? देखिए ये मिल्क को सेट करेगा कर्ड में, दूध को दही में बदलने का जो काम है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का है, और नाम से पता चल रहा है कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है ना? तो कैसे फॉर्मेशन होगी? हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे जिसमें ल्यूक वार्म मिल्क लिया जाता है, क्या लेते हैं? मिल्क, जिसको आप बोलते हो गुनगुना, है ना? तुमने ल्यूक वार्म मिल्क लिया इसके अंदर, मैं आपको दही जमाना सिखा रही हूँ। अब इसके अंदर आपने क्या किया, एक चम्मच कर्ड यानी कि जो योगर्ट है या सिंपल जो दही है उसको आपने ऐड कर दिया, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर जो कर्ड आप ऐड कर रहे हो इट एड्स एज एन इनोक्युलम। इनोक्युलम का मतलब होता है स्टार्टर, ये एक स्टार्टर की तरह काम करेगा, और ये कर्ड जब मिल्क के साथ मिक्स होता है तो जो बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
वो क्या करेंगे, मिल्क के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे और उसको कोगुलेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मिल्क को जमाना शुरू कर देते हैं। तो लेट मी राइट इट हियर, कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन, बेसिकली डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन, एज अ रिजल्ट वो कोगुलेट करेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा फिर, ये जो मिल्क था वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, साथ ही साथ ये इंक्रीज करते हैं विटामिन B12 की अमाउंट को, जो विटामिन B12 है उसका जो अमाउंट है वो दूध से ज्यादा दही में प्रेजेंट होता है। तो एक फायदा तो मिल्क से कर्ड बन गया, दूसरा इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन B12, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन B12, साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया है ये ध्यान रखेंगे कि हमारे स्टमक के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं आ रहा, बेसिकली ध्यान रखेंगे कि डिजीजेस ना हो, बीमारियों से बचाने का काम है ना, बैक्टीरिया कीप अ चेक और अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि बीमारी करवाने वाले माइक्रोब्स का ध्यान रखेंगे, उनसे हमें बचाएंगे। तो ये हमने फायदे पढ़े हैं लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के, हाउसहोल्ड के अंदर किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, राइट। तो तीनों फंक्शंस आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा हम किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप ब्रेड एंड बियर की फॉर्मेशन के बारे में बात करोगे, बेसिकली ब्रेड की ही बात करूंगा, बियर हम घर में नहीं बनाते तो बियर नहीं लिख रहे, हम ब्रेड लिख लेते। तो एक यीस्ट यानी कि एक फंगस है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ठीक है। तो ये करेगा क्या, इसको ब्रूअर्स यीस्ट, ब्रूअर्स और बेकर्स यीस्ट कहा जाता है, ब्रूअर इज फॉर द ड्रिंक एंड बेकर इज फॉर द ब्रेड। तो यानी कि ये एक ऐसा यीस्ट है, एक ऐसा फंगस है जो कि ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है यीस्ट या फिर फंगस, आपको याद रहेगा इसको किस चीज में यूज किया जाता है, ब्रेड और बियर बनाने में। ऐसा क्या है इसके अंदर, ये किस चीज को प्रोड्यूस करेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये जो फंगस है ये क्या करता है, CO2 गैस को प्रोड्यूस करता है। एंड दिस इज द रीजन कि जो हम डो यानी कि जो आटा गूंद के रखते हैं इडली बनाने के लिए या फिर भटूरे बनाने के लिए वो फ्लफी हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिस वजह से फ्लफी हो जाता है जो डो हमने बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, या फिर जो डो हमने बनाया था इडली के लिए या भटूरों के, है ना, उन सब चीजों को फ्लफी बनाने का काम कौन करेगा, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको क्या एग्जांपल गिवन है, टॉडी, टॉडी साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस ड्रिंक है, सैप ऑफ पाम। तो किससे ऑब्टेन किया जाएगा टॉडी को, जो सैप होती है पाम की उसको फर्मेंट किया जाएगा। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की जाती है। तो जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी था वो भी फर्मेंटेशन करवा रहा था, और यहाँ पर भी पाम की फर्मेंटेशन की जाती है, उसकी जो छाल है, जो ब्रांचेस है, उनको हम क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे, तब जाकर एक ड्रिंक तैयार होती है साउथ इंडिया में जिसको टॉडी कहा जाता है, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनका यूज किया जाता है फिश को फर्मेंट करने में, सोयाबीन को या फिर बैम्बू के शूट को, क्यों, क्योंकि उनसे अलग अलग तरीके के फूड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इन सभी चीजों के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एंड इट इज द चीज। ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड इज चीज। तो यहाँ पर आपको वेराइटीज भी गिवन है चीज की, हम लिख लेते हैं फटाफट से कौन कौन सी वेराइटीज गिवन है। सबसे पहली जो आपको वेराइटी गिवन है वो कौन सा चीज है, यहाँ पर मैं बैक्टीरिया का भी नाम लिखूंगी और चीज का, तो दिस इज दी स्विस चीज। और इसके अंदर पता है क्या है, लार्ज होल्स है, बहुत ही बड़े बड़े होल्स है, एंड दीज होल्स आर
ड्यू टू द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। आपको याद रखना है एक चीज के बारे में, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है स्विस चीज। उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े से होल होते हैं, लार्ज होल होते हैं, ठीक है। एंड दीज होल्स आर ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 गैस। टॉम जेरी देखा होगा तो उसके अंदर जो जेरी जिस चीज के पीछे भागता है ना, वो स्विस चीज, उसमें बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, बड़े बड़े से छेद होते हैं, है ना। तो बड़े बड़े से छेद किस वजह से, CO2 की वजह से। अब कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर ये CO2 को प्रोड्यूस करवाने के लिए, उसका नाम है प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो ये आपको याद रखना है, ये उस बैक्टीरिया का नाम है जो कि स्विस चीज के अंदर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर है, जो टेस्ट है या फिर जो शेप है, उसको प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है रॉकफोर्ट चीज। क्या नाम है? रॉकफोर्ट चीज। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रॉकफोर्ट चीज। अब ये जो चीज है इसके अंदर क्या राइपनिंग की जाती है, तो जो रॉकफोर्ट चीज है उसकी राइपनिंग कौन करेगा? एक फंगस रिस्पॉन्सिबल है इसकी राइपनिंग करने के लिए, एंड द नेम ऑफ द फंगस इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी या फिर रॉकफोर्टाई भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है जो कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं हाउसहोल्ड में। सबसे पहले हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात की, देन सैक्रोमाइसिस सर्विसी ईस्ट के बारे में बात की जिसको बेकर्स ईस्ट या फिर ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है और फर्मेंटेशन में यूज किया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रोब हैं जो कि ड्रिंक है साउथ इंडिया की टोनिक, उसको बनाने में यूज किए जाते हैं क्योंकि वो फर्मेंट करते हैं पाम को, पाम यानी कि जो पेड़ है पूरा खजूर का या पाम, उसके अंदर क्या छाल जो होती है ब्रांचेस, उसको फर्मेंटेशन किया जाता है ना। उसके अलावा हमने बहुत ही जो पुराने फूड है जैसे कि चीज, उसकी बात की, दो तरीके की चीज की हमने डिस्कशन किया था, स्विस चीज एंड रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज के अंदर लार्ज होल्स होते हैं CO2 की वजह से, एंड दीज जो लार्ज होल्स है दीज होल्स आर ड्यू टू दी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, दिस इज द बैक्टीरियम। एंड रॉकफोर्ट चीज एक फंगस की वजह से राइप होता है जिसका नाम क्या होगा, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट है, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा है हाउस होल्ड के अंदर। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।